नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अमलेश वंजारी। दोपहर की तीन बड़ी खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन, नहीं दिखा बालाघाट में बंद का असर। रैली निकालकर सड़कों पर घूमते रहे कांग्रेसी, कांग्रेसियों को देखते ही दुकान बंद करते रहे व्यापारी, लेकिन उनके जाते ही दुकानें खुलने का सिलसिला भी रहा जारी। 12 बजने से पहले ही कांग्रेसियों ने सौंपा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन। बंद का असर नहीं दिखने पर बालाघाट न्यूज से ही कलेक्ट्रेट में शुरू कर दी कांग्रेसियों ने बहस। मुद्दों से भटके कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत को रास नहीं आया बंद को लेकर मीडिया का सवाल उठाना। और किसानों के समर्थन में ओबीसी महासभा और बहुजन क्रांति मोर्चा ने भी दिया अंबेडकर चौक में 3 घंटे का धरना। किसान विरोधी कानूनों को वापस लिए जाने की मांग, मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के द्वारा आज किसानों के समर्थन में बालाघाट बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद की हवा निकल गई। सुबह से ही जरूर कांग्रेसी सड़कों पर निकले। बाइक रैलियों के माध्यम से उन्होंने दुकानदारों को, छोटे प्रतिष्ठानों को बंद कराने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी। उनके जाते ही दुकानें खोलने का सिलसिला शुरू रहा। कुछ दुकानदार जरूर अपनी दुकानें बंद करते हुए नजर आए, लेकिन वे भी दोपहर के बाद में अपनी दुकानें खोल के बैठ गए, जिससे बंद का जो व्यापक असर कहते हैं वो बालाघाट में कहीं पर भी नजर नहीं आया। बंद के कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्तावित भारत बंद के दौरान कांग्रेस और किसान कांग्रेस ने बालाघाट बंद का आह्वान किया था। इसे लेकर आज सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर घूमते नजर आए। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत और अन्य कांग्रेसी नेता भी बाइक पर सवार होकर बालाघाट बंद के लिए समर्थन मांगते रहे, लेकिन इस बंद का जिले में कहीं पर भी व्यापक असर नहीं दिखाई दिया। ज़्यादातर दुकानें खुली रही, सड़कों पर हमेशा की तरह चहल पहल रही, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से जारी रहा। इक्का दुक्का दुकानें ही बंद रही। बस स्टैंड में सुबह से ही यात्री बसों की आवाजाही शुरू रही, जिससे किसी भी नागरिक को बेजार होते नहीं देखा गया और न ही किसी दुकानदार पर कांग्रेसियों का कोई दबाव नजर आया। कुल मिलाकर बंद के नाम पर कांग्रेसियों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली गई और लोगों को बंद में समर्थन मांगा गया। कुछ दुकानदारों ने कांग्रेसियों की रैली को देखते हुए जरूर अपनी दुकानें बंद की, लेकिन उनके आगे बढ़ते ही यह दुकानें भी खुलती हुई नजर आई। दोपहर के 11 बजे तक कांग्रेसियों ने रैलियों के माध्यम से बंद को सफल बनाने का प्रयास किया, हालांकि इसका कोई असर बालाघाट में समझ नहीं आया। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आज समूचा भारत बंद है और इसी बंद को समर्थन दिया है जिला कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस बालाघाट ने। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, उन्होंने बंद का आह्वान किया, लोगों ने इस बंद को पूर्णतः समर्थन नहीं दिया, फिर भी कुछ दुकानें बंद रही। कुछ हम कह सकते हैं कि इसका आंशिक असर बालाघाट में जरूर रहा, लेकिन फिलहाल दोपहर के 12 बजने वाले हैं, दुकानें बालाघाट में खुल चुकी है। उसके पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए पहुंच चुके हैं। यहां पर हमारे साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद है। किसान कांग्रेस के महासचिव और सचिव भी यहां पर मौजूद है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यह किस तरह का आंदोलन था और किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने जो आह्वान किया था, इसका कितना कुछ व्यापक असर बालाघाट में रहा है। आपने पहले ही जैसे कह दिया कि बिल्कुल पूरी दुकानें खुल गई। मुझे तो ताज्जुब होता है कि आप भी मोदी जी के उसमें नहीं बिल्कुल अभी हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं और पूरी ठीक है। इक्का दुक्का में कहा ना 99%, 1% मैंने भी कुछ छोड़ा है, पर आपने जिस भाषा का उपयोग किया
तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आज कहीं ना कहीं बंद कराने में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं दिखाई दिया, जिस तरह से दिखना चाहिए था वो नदारद दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं बालाघाट का मार्केट आज पूर्णतः खुला हुआ है। मंगलवार होने का असर थोड़ा बहुत कुछ दुकानों पर दिखाई दे रहा है, मैंने उसका भी जिक्र किया है। आप बताएंगे कि किस तरह से आप लोगों ने आह्वान किया और क्यों समर्थन कर रहे हैं? आप सुन लो पहले क्यों किया। ये कृषि बिल जो तीन बिल जो पास सेंट्रल में हुए हैं, और सेंट्रल में ऐसे पास हुए हैं जिसमें प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ गई है। बिल पास करने में सांसदों को जो है बोलने का अवसर देना चाहिए, पार्टियों को जब वो डिवीज़न मांगते हैं तो उनको डिवीज़न करने का अधिकार है, क्यों नहीं बीजेपी ने डिवीज़न दिया? और बिल्कुल सांसदों को यानी धकेल करके बिल्कुल जबरन जो है बहुमत का लाभ लेकर के उन्होंने बिल पास कर लिया। विभाजन जब मांगते, विभाजन काय के लिए बने हुए हैं? विभाजन विपक्ष का एक हथकंडा है, देखते हैं कि कितने पार्टी, कौन कौन पार्टी और किस उस दल के भी लोग पूरे तरह से साथ में है या नहीं, ये डिवीज़न में जो है ये प्रतीत होता है। मगर इनको डर था, आशंका थी, तो इन्होंने जो है बस एक मतें जो है उन्होंने बिल पास कर लिया। ये काले कानून पूरे किसानों के जो है हित में नहीं है, किसानों की दुर्दशा कर देंगे। इसके पहले भी इन्होंने मंडियों को समाप्त करना, अरे मंडियों को समाप्त कर लेगा, मंडियों में तो कम से कम बोली लगती थी, उस व्यापारी को भी ये लगता था कि MSP है यार, कम से कम 1800 जो रेट है, 1700 हो 1500 हो जो रेट रहा हो, मगर उसमें माल खरीदा जाता था मंडियों में। कहाँ जाएगा किसान, एक दो एकड़ का किसान क्या? मोदी जी कहते हैं कि हमने कन्याकुमारी से लेकर के तो कश्मीर तक पूरा धान की आवाज आई और खुली छूट दे दिया कि जहाँ ऊँचे दाम मिले वहाँ जाए। क्या दो एकड़ का किसान संभव है कि वो जहाँ ऊँचे दाम मिल रहे हैं वहाँ वो जाने के लिए संभव है? उसकी कुछ 10 क्विंटल तो पैदा करता है वो बेचारा, 20 क्विंटल तो पैदा करता है, क्या वो ले जा सकता है यहाँ से चेन्नई माल, या क्या ले जा सकता है वहाँ से वो कश्मीर माल? ये सिर्फ जो है ये किसानों को बर्बाद करने वाले जो ये बिल बने हैं, और इस बिल का विरोध भाजपा का जो किसान है, भाजपा पार्टी का जो पदाधिकारी है, वो भी जो है हमारे साथ है, लेकिन वो भी कहता है हमारे लिए बल्कि बैठते हैं हम लोग साथ में, तो वो भी कहता है कि बाबू किसका जोरदार विरोध होना चाहिए, और नहीं तो बोले हम भी अगर नहीं आखिर अंतिम में समझे कि तो हम भी पार्टी छोड़ करके आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन भगत जी ये भी तो देखने मिल रहा है कि संसद में जब बिल पास हो रहे थे वहाँ पे चर्चा, उसके बाद में कोई व्यापक चर्चा नहीं हो पाई। हम ये भी देखते आए हैं कि 2014 के पहले जो भी विरोध होते थे उसमें सरकार से सवाल पूछे जाते थे, लेकिन आज जो आंदोलन करने वाले हैं उनसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, इस तरह के वाक्य भी हमको देखने में आ रहे हैं। ये सही बात है, हम मान रहे हैं इसको, लेकिन कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं कमजोरी रही है, उसके द्वारा भी संसद से लेके बाहर में। आज जब किसानों ने आंदोलन किया तब जाके कहीं हम जब कांग्रेस ने डिवीजन मांगा तो क्यों नहीं दिया उन्होंने? अब हमको रोड पे अगर हम ये करेंगे तो वो डिवीजन मिलेगा हमको? वो वक्त तो गया, तुमने तो पास कर लिया बिना इसके सहमति के। इन कानूनों से कितना नुकसान? इस कानूनों से पूरा देश की आर्थिक स्थिति यानी कृषि पूरी तबाही की ओर जाएगा, पूरा कृषि को तबाही की। अभी तक क्या होता था कि छोटे किसान भी उसको सही मूल्य मिल सके, इसलिए सारी व्यवस्थाएं होती थी, मंडी काय के लिए थी, यहाँ मंडी में बेचारा दो एकड़ वाला किसान भी जो है यहाँ धान ले जा सके, 50 एकड़ का किसान तो कहीं भी ले जा लेगा, वो तो तुम्हारे आया तो निर्यात कर लेगा दूसरे देशों में, 100 एकड़ वाला किसान कर लेगा। मगर उस छोटे किसान की स्थिति देखो, 5 एकड़ वाले किसान की, कि 5 एकड़ में अगर वो 100 क्विंटल पैदा करता है तो कहाँ लेके जाए उसको, तो यहाँ खरीदने की गारंटी होना। अब मंडी समाप्त, मंडी समाप्त हो गए, तुमने बिचौलियों के जिम्मे छोड़ दिए। आज देख रहे हो तुम यूपी का चावल आ रहा है, कभी 200-300 ट्रक करीब करीब बॉर्डर पे मिले हैं, 300 ट्रक। अरे सुन तो लो, अब सही बात, सत्य बात सुनने के लिए 300 ट्रक यहाँ आया है बालाघाट जिले में, क्या रेट में दे रहा है यहाँ? 1300 रुपये। अब बताओ 1300 रुपये में बालाघाट में दे रहा है तो खरीद में कितने में आ रहा होगा, कहाँ खर्चा और लगा? 600 रुपये, यानी 1000 रुपये ज्यादा 1000 रुपये में मजबूर है हरियाणा का आदमी धान बेचने के लिए, 1000 रुपये में मजबूर है यूपी का आदमी धान बेचने के लिए, 1000 रुपये में मजबूर है और बिहार का धान बेचने के लिए आदमी, इनके राज्यों में जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ का धान आज 1300 में मिल रहा है, वही 1300 वाला व्यापारी लेकर के उसको 1865 में बेचेगा, कितना कमाएगा? 500 रुपये कुंटल।
जब यहाँ जो उपलब्ध हो रहा है 1300 में, तो 500 रुपये उसको मिले, किसान को क्या मिला? इन किसान को जो सही उसके उत्पादन का मूल्य मिले, इस बात की तो सरकार देखा ही नहीं रही। जब मोदी जी ने न्यूनतम मूल्य यानी जो फिक्स करती है उसी को समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस के द्वारा एमएसपी निर्धारण नहीं होने को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, और इसी को लेकर आज का ये कांग्रेस का बंद का आह्वान था, और इसी के तहत में आज ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हुए। हमारे बीच में किसान कांग्रेस के भी कुछ नेता मौजूद है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो ये आंदोलन, पहले किसानों ने आह्वान किया, उसके बाद में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल आज इस आंदोलन से जुड़ गए हैं, और बालाघाट में कांग्रेस के द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, बंद का असर तो उतना व्यापक नहीं रहा, लेकिन क्या कुछ मांगे आप लोगों की है? हमारी मांगे बताएंगे, मीडिया साथ में चल रहा है, दिख रहा है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू है, बसें चालू है, ट्रेनें चालू है, 8 बजे से पूरे शहर के कोना कोना, पूरी हर गली कांग्रेस साथियों के साथ में बालाघाट में दुकान बंद कराने का योजनाबद्ध तरीके से हम लोग होंगे, उसमें आप एक गरीब आदमी की मीडिया वाले भी साथ में थे। एक मिनट अल्लू जी, मैं आपके पास आऊंगा भले, मीडिया वाले भी साथ में थे, और इससे और कड़ी सच्चाई आपको क्या चाहिए? नहीं, आप लोग की मांग क्या थी आज के? हमारी मांग तो ज्ञापन के माध्यम से जो किसानों का अहित हो रहा है, केंद्र सरकार अहित कर रही है, जबकि जो समर्थन मूल्य में खरीदी होना चाहिए थी, समर्थन मूल्य में 1-3 काले कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया है उसमें एक लाइन भी किसानों के हित में नहीं है कि समर्थन मूल्य में के ऊपर में अगर नीचे में कोई व्यापारी खरीदी करता है धान को तो उसको अपराध दर्ज होना चाहिए। केंद्र सरकार और मोदी जी में इतनी भी हिम्मत नहीं कि एक लाइन लिख दे किसानों के हित में, और बोलते हैं किसानों इस काले कानून से मालामाल हो जाएगा। अगर मालामाल करना ही है किसानों को तो वो मंडी को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? क्योंकि मंडी जो है किसानों का शक्ति केंद्र बनी हुई है, और उस शक्ति केंद्र को किसानों का ही समाप्त करने का काम है, तो ऐसी स्थिति में किसान कहाँ से मालामाल हो जाएगा? वो मालामाल तो नहीं होगा, पर इस केंद्र सरकार की योजना से, इस नीति काले कानून से वो कंगाल जरूर हो जाएगा। किसानों के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया था, 11 से 3 बजे तक का समय था, अभी 12 भी नहीं बजे है और आप लोगों ने ज्ञापन दे दिया है और मार्केट पूरा खुल चुका है, इसको किस रूप में हम बंद के तौर पे ले सकते हैं? एक गरीब इंसान को परेशान करके, एक गरीब सब्जी वाले को या ठेले वाले को, एक मजदूर को परेशान करके किसके क्या मैसेज देंगे? हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि बालाघाट का जो किसान है वो जागरूक हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि कोई है जो उनके साथ में खड़े होकर उन मांगों को पूरा करने के लिए है। तो जागरूक करने के लिए आप लोग कितने किसानों के पास गए जिले में इसके पहले आंदोलन को लेकर? पूरे जिले में लोगों के पास गए। तो आज तो आंदोलन में कहीं भी किसान नजर नहीं आया मुझे। ये सब लोग क्या है भैया? नहीं, वो तो किसान नेता है, खुद भी किसान हूँ, किसान नेता है, किसान जो एक्चुअल में बैलगाड़ियों में चलते हैं, जो किसान आपको किसान साथ में क्यों नहीं आए आप लोगों के? वैसे किसान आपको कहाँ मिलते हैं ये बताइए, तो ऐसे किसानों को क्यों आप समझा नहीं पाए? तो अपने अपने जगह पे कर रहे हैं ना, हर जगह पूरे ब्लॉक का, ये कांग्रेस का आंदोलन था, हम ये नहीं कहेंगे कि किसानों का आंदोलन था, कांग्रेस ने आह्वान किया था बालाघाट किसानों को हरियाणा से पकड़ के तो लाऊंगा नहीं आंदोलन करने। नहीं, बालाघाट में बहुत सारे किसान है, ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस का आज आह्वान था बंद का, बंद को लेकर कितना प्रयास किया गया कांग्रेस की ओर? जितना प्रयास किया गया पूरे शहर में नजर आ रहा है, यूथ कांग्रेस नदारद रहा, NSCI कांग्रेस की तमाम विंगे के जो बड़े लीडर थे वो नदारद थे, जो तमाम हम देखते हैं कि बंद के समर्थन में कांग्रेस एकजुट होता है, कई कांग्रेस के नेता बड़े और छोटे कार्यकर्ता और अन्य विंग के जो कार्यकर्ता है वो भी शामिल होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष के अलावा, गिने चुने नेताओं के अलावा, शहर कांग्रेस के अलावा कोई दूसरे नेता नहीं नजर आए, हालांकि चुनाव के समय में ऐसे कई कांग्रेसी नजर आते हैं। जी रुको ना, मैं देता जाओ, सुनो एमएलए जी, बताएंगे। देखो क्या है कि यूथ कांग्रेस के ऑलरेडी चुनाव चल रहे हैं, यूथ कांग्रेस के बाकी साथी सब हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं, NSCI के साथी हमारे साथ सम्मिलित, अब किसी को टैग लगाकर तो आएगा नहीं। कांग्रेस का जिला, जब जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सभी संगठन सम्मिलित होते हैं, वो अपना अपना टैग लगाकर अपने झंडे के नीचे काम नहीं करते, पंजे के निशान के नीचे पूरे कांग्रेस की विंग्स काम करती है। निश्चित तौर पर जैसे आपने बोला कि कांग्रेस ही नहीं दिख रहे थे, सब अपनी अपनी जगह पर, शादियों की भी सीजन चल रही है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमसे ज़्यादा आपको मालूम कि हम लोग कल से प्रयास कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में आप भी सम्मिलित थे, कल हम आपकी भी हमने उन्हें मदद मांगी और आपने भी हमको मदद किया।
कल से लेके कल सुबह से लेकर आज तक लगातार कांग्रेस बगैर रात को सोए हुए कार्यकर्ता आज काम करते जा रहा है। सुबह 6 बजे से हम लोग खड़े हैं। चूंकि हमारी पार्टी नरम दल मानी जाती है, हम बताइए ना कि हमने समर्थन मांगा लोगों से, हमने जोर जबरदस्ती नहीं की और शांतिपूर्ण तरीके से, आप ये बताइए ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमारी जो पार्टी है वो नरम दल की मानी जाती है। हम घुटना रेख कर किसी को दबाकर दुकान बंद कराना नहीं चाहते। हमने समर्थन मांगा, कई व्यापारियों ने खुले दिल से समर्थन किया, कई व्यापारियों ने हाथ जोड़ा कि नहीं कर सकते, तो हमने भी उनको हाथ जोड़ा, ठीक है साहब कोई बात नहीं। यह बंद केवल कांग्रेस पार्टी का बंद नहीं है, ये किसानों के अन्नदाता की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस मैदान पर आकर, ताकि उन किसान को मुआवजा मिल पाए। अगर किसान ने अपना अन्न दाना बोना बंद कर दिया तो भूखे मरने की नौबत आएगी। आज कांग्रेस सड़कों पर उनकी लड़ाई लड़ रही है। इसके बाद में भी कोई कार्यक्रम है आप लोगों का? निश्चित तौर पर आज का जो कार्यक्रम है वो बंद का है। बंद के बाद जैसा AICC और प्रदेश कांग्रेस से हमको दिशा निर्देश मिलेंगे, उसके तहत हम लोग सड़कों पर उतर कर, सभा वगैरह है क्या? नहीं, सभा नहीं। एक्चुअली में ये कांग्रेस, आप समझिए चीजों को, आज का जो बंद था वो कांग्रेस का समर्थन था किसानों को। ये लड़ाई हम कांग्रेस जो है किसानों की लड़ाई लड़कर कर रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टियां ऐसा कुछ नहीं है। 22 पार्टियां इनको सहयोग कर रही है। नेताओं के कई तर्क है बंद को लेकर। एक ओर जहां हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में किसानों का जो आंदोलन है वो व्यापक है और उसका उग्र होते हुए दिखाई दे रहा है, इसके बावजूद सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि इन बिलों को वापस लेगी या इन बिलों में किसी प्रकार का संशोधन करेगी। इसके बावजूद कांग्रेस के आह्वान पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसानों के समर्थन में आज बंद का आह्वान किया गया था। इस आह्वान का कितना कुछ व्यापक असर रहा हम तस्वीरों में आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन अभी आप जिन कांग्रेसी नेताओं को यहाँ पर सुन रहे थे, इनका कहना है कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को समर्थन मांगा और इस समर्थन के तहत में जिन लोगों ने समर्थन दिया उनको धन्यवाद दिया गया। हालांकि उन्होंने जोर जबरदस्ती नहीं की, इस वजह से इस बंद का व्यापक असर नहीं दिखाई दिया। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार के विरोध में जिस तरह से कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता और किसानों के साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता इस आंदोलन से जुड़ गए हैं, वे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, इसका क्या कुछ राष्ट्रीय स्तर पर असर देखने मिलता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार 13 दिनों से जारी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए OBC महासभा और बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ता भी अंबेडकर चौक में जमा हुए, जहां उन्होंने सुबह के 10 बजे से 1 बजे तक धरना दिया और धरने के दौरान MSP की मांग को लेकर उन्होंने किसानों के समर्थन में आंदोलन करने की बात कही। इसके साथ ही मोदी सरकार पर भी इन आंदोलनकारियों ने जमकर निशाना साधा। OBC महासभा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा आज किसानों के देशव्यापी बंद को समर्थन देते हुए अंबेडकर चौक में धरना दिया गया। इस धरना प्रदर्शन में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और सरकार के किसान विरोधी कानूनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार खेती को निजी हाथों में सौंप कर बेचना चाहती है, MSP का निर्धारण करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है, किसानों को इससे भारी नुकसान होने वाला है, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आने वाला है। इसी को लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों के किसान लगातार कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके समर्थन में ही आज उनके द्वारा 3 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जो ये आंदोलन रखा है बालाघाट बंद और भारत बंद, उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि देश का जो किसान है उसके किसानों के मुद्दे को लेकर हम लोग बैठे हैं। और ये जो 3 बिल भाजपा ने लागू किया है, इस 3 बिलों को जब तक के भाजपा सरकार वापस नहीं लेगी, हम लोग किसानों के समर्थन में जब जब मौका मिलेगा हम बैठेंगे और जब तक के MSP लागू नहीं होगी, क्योंकि जब MSP लागू होगी तभी किसानों को उनका फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा इस देश के अंदर में किसानों की संपत्ति हड़प ली जाएगी और किसानों को जो रेट मिलना चाहिए था वो रेट नहीं मिलेगा और पूंजीपतियों का राज आ जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार जो है ये इन्हों 2-4 लोगों के लिए काम कर रही है, देश के करोड़ों किसान मजदूरों के लिए काम नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे किसानों के आंदोलन में बैठे हैं और हम चाहते हैं कि MSP लागू होना चाहिए और किसानों की बातों को सुनी जाना चाहिए। वह OBC महासभा के जिला अध्यक्ष भाई सौरभ लोधी के आह्वान पर OBC महासभा के साथ बहुजन क्रांति मोर्चा और अन्य सभी सामाजिक संगठनों और किसानों के दल यहाँ पर संगठन उपस्थित हैं। और जो पिछले महीने में सितंबर माह में जो 3 कानून कृषि विधेयकों को लेकर के केंद्र सरकार ने बनाए और पास किए हैं, उसके
वो जो कानून है वो किसानों के हित में नहीं है, वह देश के चंद अमीर जादों और जो है कारपोरेट घरानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बिल में दिखाया तो ऐसा जा रहा है कि यह किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, लेकिन बिलों को पढ़ने के बाद और उसके जो परिणाम भविष्य में आएंगे वह किसानों को जो है प्रोत्साहित ना करके उनके जो है खेती को और उनकी फसलों के दामों को तबाह करने के यह कानून है। हम लोग किसान विरोधी बिल के विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें जो बिल पास हुआ है उसमें कॉरपोरेट को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसानों को उतना जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें एक भंडारण व्यवस्था के लिए लिमिट ख़त्म कर दी गई है। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जो उन्होंने बिल में लाया गया है वो भी किसान के लिए बहुत ख़तरनाक है। और एक जो MSP है, MSP को फिक्स नहीं करने की जो रणनीति है वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। और किसानों को देश में कहीं भी जाकर अपनी फसल बेचने के लिए जो बिल में लाया गया है वो भी कहीं ना कहीं कहना चाहिए किसानों के फायदेमंद नहीं है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा छोटे किसान होते हैं जो एक छोटी फसल लेके कई दूरी तक अपना माल बेचने के लिए नहीं जा सकते हैं फसल बेचने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग और जो टैक्स का पैसा है वो इतना बढ़ जाएगा कि जिससे किसान को कोई लाभ नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग ने यहाँ पे एक इस बिल को निरस्त करने के लिए गुहार लगाई है। किसानों के समर्थन में OBC महासभा और बहुजन क्रांति मोर्चा के धरना प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने भी समर्थन दिया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित पूर्व विधायक मधु भगत और अन्य कांग्रेसी भी यहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया और इससे कारपोरेट घराने को लूट मिलने का साधन बताया। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर और पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा है इन कानूनों पर। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। MSP लागू करो, लागू करो, लागू करो। MSP लागू करो, लागू करो, लागू करो। MSP लागू करो, लागू करो, लागू करो। मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जो 3 काले बिल पास किए, किसान विरोधी बिल जो पास किए, ये किसानों के ऊपर एक आघात है। और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसानों के ऊपर निर्भर करती है। किसानों के ऊपर हमारी अर्थव्यवस्था जो निर्भर करती है 70-72% करीब किसान है, और जिस प्रकार से उनकी खरीद के मूल्य के साथ अन्याय हुआ है ये कॉरपोरेट सेक्टर को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मोदी सरकार देने जा रही है। और किसान को कहीं ना कहीं समेटा जा रहा है और उसे मजदूर के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास। मैं मान के चलता हूँ और हम सभी लोग मान के चलते हैं कि इसके खिलाफ हम लोगों को सबको सारे दलों को एकत्रित होकर के इस काले बिल के खिलाफ हमको अपना प्रदर्शन करना है। और इस काले बिल को जब तक वापस मोदी सरकार नहीं लेती तब तक हम लोग सब मिलकर के किसान के साथ